तो दोस्तों आज हम फिर से ऐसे दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि काफी अच्छे कैमरे हैं और ये दोनों ही कैमरे हमारे सोनी के कैमरे हैं। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो दोस्तों आज जो हम दो कैमरों का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक है हमारा कैमरा सोनी का A6600 और दूसरा जो कैमरा है हमारा सोनी का FX30। ये दोनों ही कैमरे काफी कमाल के कैमरे हैं और दोनों कैमरे से आप अच्छी खासी वेडिंग वीडियोग्राफी वगैरह और आप मूवी वगैरह भी अच्छी खासी शूट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम दोनों कैमरे के मेन फीचर। तो यहाँ पे आप दोनों कैमरे के मेगापिक्सल देखेंगे तो दोनों कैमरे के अंदर आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं, यानी आपको सोनी A6600 के अंदर भी आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं और सोनी FX30 के अंदर भी आपको 26 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर आपको सेम ही मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे दोनों कैमरे का आप प्रोसेसर देखेंगे तो दोनों कैमरे के अंदर आपको YZ-XR का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि सेम ही प्रोसेसर है, यानी दोनों कैमरे के अंदर पिक्सल भी सेम है और दोनों कैमरे के अंदर प्रोसेसर भी सेम है। और वहीं पे हम ISO रेंज देखें तो यहाँ पे आपको सोनी A6600 के अंदर आपको जो ISO रेंज देखने के लिए मिलता है वो आपको 100 से लेकर 32,000 का ISO रेंज देखने के लिए मिलता है, बट जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो आप इसे 1,24,000 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और वहीं सोनी FX30 के अंदर देखेंगे आप ISO रेंज तो उसके अंदर भी आप 100 से लेकर 32,000 तक की ISO रेंज देखने के लिए मिलता है, बट इसके अंदर भी आप एक्सटेंड करेंगे तो इसके अंदर भी आप 1,24,000 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको ISO भी सेम देखने के लिए मिलता है, यानी आप लो लाइट वगैरह में भी शूट करते हैं इन दोनों कैमरे से तो आपकी वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी आती है। और अब हम देख लेते हैं दोनों कैमरे की स्क्रीन। तो यहाँ पे दोनों कैमरे की स्क्रीन साइज आपको 3 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलता है जो कि वेरिएबल स्क्रीन है, यानी आपको लो एंगल शॉट वगैरह भी लेना तो आप इजिली इन दोनों कैमरे से शूट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के अंदर कंटिन्यूस शूटिंग। तो यहाँ पे सोनी A6600 के अंदर आप कंटिन्यूस शूटिंग देखेंगे तो इसके अंदर आपको 11 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पे आप सोनी FX30 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है, यानी आपको जो यहाँ पे कंटिन्यूस शूटिंग ज्यादा जो देखने के लिए मिलता है वो आपको A6600 के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और अब हम देखते हैं मूवी मोड। तो यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 4K 60 FPS पे। तो यहाँ पे जो आप 4K वीडियो शूट करेंगे दोनों कैमरे के अंदर, तो यानी दोनों कैमरे के अंदर आप जब 4K वीडियो शूट करते हैं तो दोनों कैमरे के अंदर आपको 6K का ओवर सैंपल करके 4K की क्वालिटी आती है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी होती है। तो यानी दोनों कैमरे के अंदर 4K की क्वालिटी भी आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है, यानी दोनों कैमरे क्रॉप सेंसर कैमरे है बट दोनों के अंदर जो 4K की क्वालिटी मिलेगी वो आपको सेम देखने के लिए मिलेगा क्योंकि दोनों कैमरे के अंदर आपको मेगापिक्सल सेम देखने के लिए मिलता है, ISO सेम देखने के लिए मिलता है और प्रोसेसर भी सेम देखने के लिए मिलता है, यानी कि दोनों कैमरे के अंदर आपको 4K की क्वालिटी सेम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप हाई स्पीड वीडियो शूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सोनी के A6600 के अंदर आपको 120p का ही हाई स्पीड वीडियो शूट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, बट वहीं पे आप सोनी FX30 के अंदर हाई फ्रेम रेट पे वीडियो शूट करना चाहते हैं तो वहां पे आपको 240p का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यानी आपको सोनी FX30 के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपको दोनों कैमरे के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ की फैसिलिटी देखने के लिए मिलता है। और वहीं पे हम दोनों कैमरे की बॉडी डिजाइन की बात करें तो दोनों कैमरे की बॉडी जो है आपका वेदर सील बॉडी है, यानी आपके कैमरे के ऊपर हल्का फुल्का डस्ट भी आता है या हल्की फुल्की बारिश की बूंदे भी पड़ती है तो आपके कैमरा एकदम सेफ रहने वाला है। और यहाँ पे आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो दोनों कैमरे के अंदर आपको 5-axis स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलता है जो कि अगर आप हैंड वीडियो शूट करना चाहते हैं तो वहां पे ये आपका जो 5-axis स्टेबलाइजेशन है वो काफी काम आता है, तो दोनों कैमरे के अंदर आपको 5-axis स्टेबलाइजेशन दे रखा है। और यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर आप ऑटो फोकस मोड देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोनी A6600 के अंदर काफी ज्यादा ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर जो आपको ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है एक आपको ह्यूमन बर्ड एनिमल कार ट्रेन इस टाइप के आपको काफी सारे ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है, बट अगर आप सोनी FX30 के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको ह्यूमन और बर्ड का ही ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो ज्यादा ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिला वो आपको सोनी A6600 के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे ऑटो फोकस की बात करूं तो दोनों कैमरे के अंदर सेम ही ऑटो फोकस है, यानी दोनों कैमरे काफी फास्ट क्विकली ऑटो फोकस कर लेते हैं तो दोनों के ऑटो फोकस भी यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे आप दोनों कैमरे के अंदर वीडियो रिकॉर्ड लिमिट देखेंगे तो दोनों कैमरे के अंदर आपको अनलिमिटेड देखने के लिए मिलेगा, यानी आप काफी देर तक दोनों कैमरे के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोनों कैमरे के अंदर आप बैटरी साइज देखेंगे तो दोनों कैमरे की बैटरी सेम ही बैटरी है जो कि FZ100 वाली बैटरी है, तो यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर काफी देर तक आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों कैमरे का आप प्राइस देखेंगे तो हमारे जो सोनी का A6600 कैमरा है इसका आप प्राइस देखेंगे तो इसका प्राइस बॉडी का आपको 1,15,000 से 1,25,000 का देखने के लिए मिलता है
है। और वहीं पे आप सोनी FX30 का प्राइस देखेंगे तो वहां पे आपको 1,62,000 रुपए देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर स्पेक सेम ही है, बट यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोनी FX30 के अंदर जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कॉस्टली देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।